मेंटल मैथ क्लास 9। मैं हूं हरी सर और आप सभी बच्चे देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल चलो कदम बढ़ाए। जो बच्चे हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं उनके लिए अलग से चैनल है जिसका नाम है मैथ विद हरी सर। तो बच्चों इस सीरीज में हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट नंबर सिस्टम का नेक्स्ट पार्ट हम करने वाले हैं। आइए करना शुरू करते हैं। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 48 क्या कहता है, तो 18 क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। सिंप्लीफाई करना है। अब बच्चों मैंने कई बार बताया है आपको, अगर एक पावर इनसाइड हो एक पावर आउटसाइड हो तो आपको क्या कर देना है, क्या करना है आपको, मल्टीप्लाई कर देना है। और मल्टीप्लाई में यहां पर ये कैंसिल हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो आइए करना शुरू करते हैं। अब यहां पर 16 है ना, इसको लिख सकते हैं हम 4 की पावर 2 लिख सकते हैं। और यहां पर क्या बचा, ये पावर 4 की 2 लिख दिया और ये क्या है -1, ठीक है। और यहां पर इधर ये 2 आ जाएगा, ये बची ना -1/2, भाई 5 से 5 कैंसिल हो गए तो ये मल्टीप्लाई हो गया तो -1/2 रह गया, ठीक है इस तरीके से। अब ये जो 2 है ना ये न्यूमेटर में माना जाता है बच्चों, किस में माना जाता है, न्यूमेटर पे। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 4 की पावर किस में आ जाएगी, -1 में आ जाएगी। अब जब कभी भी किसी भी बेस की पावर माइनस में आती है तो उस संख्या का रेसिप्रोकल कर देते हैं, नीचे 1 मानते हुए 1 ऊपर ले लेंगे 4 नीचे, तो पावर प्लस में हो जाते, ये आपका आंसर बन गया। ये आपका आंसर हो गया है और आपको प्रैक्टिस करने तभी आप बड़े इजी तरीके से कर पाएंगे, ठीक है। एक बार फिर मैं बता देता हूँ, जब एक बार पावर इनसाइड हो एक पावर आउटसाइड हो तो दोनों को क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना। मैं इधर बताता हूँ, 16 -1/5 और -5/2 इस तरीके से, तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, 16 की पावर -1/2 बचेगा। और 16 को लिख सकते हैं हम 4 की पावर 2 इस तरीके से, और -1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, फिर वही नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो आप थोड़ा सा इस तरीके से भी कर सकते हैं। पार्ट सेकंड क्या कहता है, देखिए यहाँ पर 0.027 की पावर 1/3। अब हम इसको लिख लेते हैं फ्रैक्शन में, तो यहाँ पर 27 डालिए, लिखिए पॉइंट के लिए 1, पॉइंट के बाद 3 डिजिट है 1, 2, 3, तो 3 0 लगा दीजिए इस तरीके से, और पावर 1/3 लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 27 को तो लिखा जा सकता 3 और 1000 को लिखा जा सकता 10, और इसकी सारे की पावर अगर मैं 3 डाल दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि 3 की पावर 3 का मतलब होता 27 और 10 की पावर 3 का मतलब होता 1000 और एक ये पावर जो है आउटसाइड में, तो मैंने आपको बताया, ठीक है। तो पावर क्या कर देंगे, कैंसिल कर देते हैं इस तरीके से, मल्टीप्लाई हो जाती है और मल्टीप्लाई में ये न्यूमेटर से डिनोमेटर कैंसिल हो जाता है, तो क्या बच गया 3/10, ठीक है। अब आप इसको चाहो तो पॉइंट में लिख सकते हो, तो 3 क्योंकि इसमें 10 तो 1 डिजिट के बाद आपको डेसिमल लगा देना, ये आपका आंसर बन गया। पार्ट थ्री क्या कहता है, देखो इसमें भी वही करना है बच्चों, एक पावर, ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं इनसाइड आउटसाइड मल्टीप्लाई कर देना है, क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर दो या फिर आप अभी इसको सोल्व कर लो, ठीक है ना। आइए 625 है ना, इसको मैं लिख सकता 25 की 2 लिख सकते हैं अभी, ठीक है, ये लिख दिया, और -1/2 और ये इस तरीके से, ठीक है, -1/4 लिख सकते हैं ऐसे, और 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है, -1 को मल्टीप्लाई तो +1 हो जाएगा, यानी 25 यहाँ पर 1/4 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा, ठीक है। आइए कर लेते हैं आगे, तो 25 को लिख सकते हैं 5 की पावर 2 लिख सकते हैं और यहाँ पर ये आ गया 1/4, ठीक है, 2 से फिर कैंसिल कर दे, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो 5 की पावर कितनी आ गई बच्चों, 1/2 आ गई, ठीक है, हाफ पावर आ गई। आप चाहो तो इस पावर को आप, ठीक है, रूट के अंदर भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर अगर हम चाहें तो 5 और इधर रूट का साइन लगा दे तो दोनों का मतलब सेम होता है बच्चों, दोनों का मतलब क्या होता है, सेम होता है, ठीक है ना। मैं आपको बता तो थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, आपको थोड़ा याद आ जाएगा। देखो जैसे यहाँ पर लिखा है √3, तो इसको अगर हम पावर में चेंज करें तो 3 और इधर ये
क्योंकि इसके खाचे के बीच कोई नंबर नहीं होता, तो टू होता है, स्क्वायर का लिखने की जरूरत नहीं होती, तो इधर वन बाई टू की फॉर्म में आ जाएगा। अगर यहाँ पर लिखा है मान लीजिए फाइव और इधर यहाँ पे मैंने लिख दिया थ्री, ठीक है, तो अब इसको पावर के रूप में लेंगे तो क्या हो जाएगा, फाइव की पावर वन बाई थ्री आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से समझ में आ गया होगा, ध्यान आ गया होगा, तो ये आपका आंसर बन गया। पार्ट फोर क्या कहता है, यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर क्या है, थ्री पावर है इधर, ठीक है, क्यूब तो हम इसको लेके आएंगे इस साइड में, तो और साथ ही साथ 64 को हम लिख सकते हैं, फोर की पावर थ्री लिख सकते हैं, और ये थ्री को हटाकर इधर ले आए तो वन बाई थ्री हो जाएगा, ठीक है, और ये माइनस वन बाई टू है ही, थ्री से थ्री कैंसिल कर दिया, ठीक है, तो अब हमारे सामने क्या आ गया, फोर, फोर की पावर माइनस वन बाई टू आ गई। ठीक है, अब क्या करना है आपको, आप और कर लीजिए, फोर को लिख सकते हैं, टू की पावर टू लिख सकते हैं, और इधर ये माइनस वन बाई टू, ठीक है, टू से टू फिर कैंसिल हो गया, अब टू की पावर किस में आ गई, माइनस वन में आ गई, अब माइनस वन में आ गई तो फिर पावर इसको प्लस में बनाओ भाई, ये टू के नीचे वन मानते हुए इस बेस का रेसिप्रोकल कर दो तो पावर प्लस में हो जाते हैं, और वन लिखने की कभी जरूरत नहीं होती। तो बच्चों ये आपका आंसर बन गया। आइए करते हैं पार्ट फाइव, ठीक है, अब देखो बच्चों, रूट के अंदर है ये साइन इस तरीके से, अब यहाँ पर एक्स की पावर सिक्स, ठीक है, ठीक है, और ये वाई की पावर क्या है, माइनस सिक्स है, तो इसकी पावर पॉजिटिव बना लो, वाई का आप रेसिप्रोकल कर दो, इसके नीचे वन मानते हुए वन बाई वाई, तो ये हो गई, ठीक है, इस तरीके से। आइए तो आगे कर लेते हैं, एक्स की पावर सिक्स, तो वाई नीचे आ जाएगा, वाई की पावर भी सिक्स हो जाएगा, ठीक है, एक्स की सिक्स को वन से मल्टीप्लाई सेम आएगा। अब क्या करना है, अब आप इसको लिख सकते हैं इस तरीके से, एक्स बाई वाई की पावर सिक्स लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं ना इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पर ये रूट का साइन है, इसको पावर में चेंज करना है, तो कैसे लिखा जा सकता है, एक्स बाई वाई और इधर ये पावर है सिक्स, ठीक है, और इधर जो रूट था वो इधर पावर में लेके आएंगे तो वन बाई टू हो जाएगा, टू से काट दें, टू वन जा टू, टू थ्री जा सिक्स, तो एक्स की, एक्स बाई वाई की पावर कितनी आ गई, थ्री आ गई, इस ये आपका आंसर हो सकता है, या अलग अलग लिखना चाहो तो अलग अलग भी लिख सकते हो इस तरीके से, ठीक है ना, तो दोनों में तरीके में से कोई भी आप कर सकते हैं। आइए करते हैं नेक्स्ट पार्ट, ये रहा आपके सामने नेक्स्ट पार्ट, बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखो बच्चों यहां पर, ठीक है, दोनों के बेस इक्वल आ रहे हैं, दोनों के बेस इक्वल है ना, बीच में ये पॉइंट है, मीन्स मल्टीप्लाई है, तो जब दोनों के बेस इक्वल होते हैं तो उनमें से एक बेस आपको ले लेना है और पावर को क्या कर देते, ऐड कर देते हैं। आइए ऐड कर लेते हैं, 0.16 प्लस 0.09, ठीक है, ये ऐड कर देते हैं, और ऐड करने पर कितना आएगा बच्चों, ऐड करने पर आएगा यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ 250, इसको भी पावर में चाहो तो लिख सकते हो, 256 को लिख सकते हैं, 16 का होता ना ये, तो 16 का स्क्वायर इस तरीके से लिख सकते हैं, और पावर ऐड की तो कितना आ गया बच्चों यहाँ पर 0.25 आ जाएगा, ठीक है, ऐड करने पर। आइए आगे कर लेते हैं, तो 16 की पावर 2 आगे और देखेंगे, ठीक है, और इसको लिख सकते हैं हम बच्चों 25, पॉइंट के लिए 1 लगाओ, पॉइंट के पीछे 2 डिजिट तो 20 लगा दो, 25 से कैंसिल कर दो, 25 फोर जा 100, ठीक है, तो ये आ गया पावर 4 आ गई। तो आइए इसको और कर लेते हैं, 16 था ना ये, तो हम इसको लिख लेते हैं बच्चों 2 की पावर में लिख लेते हैं, 2 की पावर 4 और यहाँ पर क्या आ जाएगा ये 2, ठीक है, इस तरीके से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे तो शुरू में भी कर सकते हो, कोई इससे कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 2 × 2 × 2, 2 × 4 = 4, 4 × 8 = 16, तो वही 16 को मैंने लिखा 2 की पावर 4, ठीक है, ये 2 की पावर ये रही। तो बच्चों एक पावर इनसाइड होती है एक पावर आउटसाइड होती है, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 की पावर हम 8 कर देंगे और इधर 1/4 कर सकते हैं, तो 4 से 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, ठीक है, इस तरीके से काट दीजिए, या 4 से 4 इधर भी कैंसिल कर सकते हैं, तो 2 की पावर कितनी रह गई, 2 रह गई बच्चों, 2 की पावर कितनी रह गई, 2, और 2 की पावर 2 का मतलब होता है 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा, ये 4 आपका आंसर बन गया, ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको बता दिया है, फिर भी समझ में ना, एक बार वीडियो जरूर देखे और फिर भी समझ में ना आए तो बच्चों
मुझे कमर्स कर सकते हैं, ठीक है। अब 32 है बच्चों, अब यहाँ पे इसके फैक्टर कर लेने हैं, 32 के फैक्टर कर लेते हैं क्योंकि रूट का साइन है, ठीक है। तो 2 से 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, यहाँ पे 2 से फिर 2 8 जा 16, और 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, ये आ गया बच्चों, ठीक है। तो 1 2 2 पेयर बन गए, ठीक है। तो मैं इसको एक बार लिख लेता हूँ बच्चों इधर, ठीक है, ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। इस तरीके से ये मैंने लिख लिया, और प्लस 32 और रूट 2, ठीक है ना, इस तरीके से। तो जिस नंबर का पेयर बना है उनमें से एक एक नंबर बाहर निकाल लीजिए, 2 इंटू 2, ये बाहर आ जाएगा, माइनस का साइन इधर है ही, और इधर ये पेयर नहीं बना है तो इसे यूँ कहीं हम लिख देते हैं, ठीक है ना, ऐसे। अब 2 2 जा कितना होता है बच्चों, 4 होता है, -4 रूट 2 और प्लस 32 रूट 2, ठीक है, ये आ गया। अब ये सेम रूट आ गए, लेकिन ये इसके सामने 32 प्लस का है और इधर माइनस का है। माइनस प्लस क्या होते हैं, माइनस होते हैं, रूट को माइनस नहीं करना, जो आगे नंबर लिखा रहता है ना उसी को माइनस करना है। तो 32 में से 4 माइनस करेंगे तो 28 आ जाएगा, 28 रूट 2, ये आपका आंसर रहेगा, ठीक है। 32 में से 4 माइनस करना है आपको, रूट को माइनस मत कर देना, ठीक है। ये हो गया बच्चों आपका क्वेश्चन, ठीक है, आंसर आ गया ये वाला। आगे करते हैं, ये क्वेश्चन भी बिल्कुल ऐसे ही है, अब इसको सीधा कर लें क्योंकि आप 9th क्लास में हैं। 11√5 + 2, अब यहाँ पे ये लिखा ना, चलो मैं एक बार लिख लेता हूँ, तो 125 के फैक्टर लिख लेते हैं, 5 × 5 × 5, ठीक है, पेयर बन गया, ठीक है। आइए आगे कर लेते हैं, तो 11√5 + 2, और इस पेयर में से 1 नंबर बाहर निकाल लिया इस तरीके से, और इधर रह गया √5, ठीक है। आइए 11√5 और 2 5 जा कितना होता है, 10 होता है, ये देखो दोनों किस चीज़ के आगे, प्लस के आगे, ये √5, इसके सामने ये 10√5 है, ये 11√5 है, दोनों प्लस के हैं, दोनों को प्लस कर देंगे, 11 और 10 कितना होता है, 21√5, ये आपका आंसर रहेगा, ठीक है। आइए करते हैं नेक्स्ट पार्ट, तो नेक्स्ट पार्ट में बच्चों यहीं पे कर लेते हैं, ये पावर दी हुई है -1/3, तो अगर हम इसको लिखे 4³, ठीक है, या और 5 की पावर, ये 125 पे इसको भी हम लिख दे, इस तरीके से लिख सकते हैं ना, 4³ का मतलब 64, 5³ का मतलब 125, लिख सकते हैं ऐसे। और इधर ये -1/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, ठीक है ना, 4/5 की पावर किस में आ गई, -1 में आ गई। अब पावर माइनस में, तो पावर इसकी प्लस में बनानी है, तो नेक्स्ट नंबर ये जो बेस है इसका क्या कर देना है, रेसिप्रोकल कर देना है, ठीक है। तो 5 ऊपर आ जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा, ये आपका आंसर रहेगा। आप चाहे तो इसको मिक्स नंबर में भी लिख सकते हैं, 4 1 जा 4 और 1 5, इस तरीके से, ठीक है। आइए करते हैं लास्ट पार्ट कर लेते हैं बच्चों, यहाँ पर भी 5, तो ब्रैकेट को सोल्व कर लेते हैं, 8 है, 8 को लिखा जा सकता है 2³, लिख सकते हैं, और ये 1/3 तो है ही, प्लस 27 को लिख सकते हैं 3³ और 1/3, ठीक है, और यहाँ पर ये 3 पावर दी हुई है और इस ब्रैकेट के बाहर 1/4 दिया हुआ है, तो ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, और यहाँ पर क्या बचा, ये 5 है, तो इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, 3 + 5 कितना होता है, ओ सॉरी 3 + 2 5 होता है, 5 की पावर कितनी है, 3 है, ठीक है, और इधर ये 1/4, ठीक है, ये भी मल्टीप्लाई की फॉर्म में है, ये भी क्या है, मल्टीप्लाई की फॉर्म में, तो आप इसको लिख सकते हैं 5 × 5³, लिख सकते हो ना इस तरीके से, और ये 1/4, ठीक है। अब बच्चों बेस इक्वल है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाती है, तो इनमें से एक बेस लेना है और पावर को ऐड कर देना है, इसकी पावर कुछ नहीं है तो 1 मान लीजिए, 3 और + 1 कितना होता है, 4, इस तरीके से 1/4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो 5 ही आपका आंसर आ गया। तो बच्चों ये वीडियो कंप्लीट हो गई है, आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताना बच्चों, प्रैक्टिस जरूर करनी है, ठीक है ना, अच्छी रैंक लेके आनी है, अच्छे मार्क्स लेके आने हैं, और हर क्विज में पार्टिसिपेट करना है बच्चों। मैं नहीं कहता कि आपको एक ही दिन प्रैक्टिस करनी है, नहीं, अभी से करनी शुरू कर दीजिए, धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करेंगे, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, ये आपने सुना ही होगा, एंड प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, ये भी आपने सुना होगा। तो बच्चों मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आप अभी से प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए और अच्छी रैंक लेकर आइए, मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, टिल देन थैंक यू।